नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आतंकवादी लखवी की रिहाई के जश्न में पाक सेना भी शामिल हुई। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादी जकी उर रहमान लखवी की रिहाई का पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। उल्लेखनीय है कि न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका ने भी लखवी को छोड़े जाने का विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक लखवी के घर पर रात को मनाए गए जश्न में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साथ ही लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी भी शरीक हुए। इस हरकत से पाक द्वारा आतंकवादियों को समर्थन न दिए जाने की अफलियत भी सबके सामने आ गई है। फ्रांस से राफेल विमान खरीदेगा भारत, कोर्ट में जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी। फ्रांस की कंपनी से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भारत तैयार हो गया है, लेकिन इस डील को लेकर मोदी सरकार के समक्ष तब मुश्किलें खड़ी हो गईं जब भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राफेल डील के खिलाफ कोर्ट में जाने की धमकी दे डाली। फ्रांस यात्रा के दौरान शुक्रवार को राफेल डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में लड़ाकू विमानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि 36 राफेल लड़ाकू विमान जितनी जल्दी हो सके मुहैया कराए जाए। दूसरी ओर भाजपा नेता स्वामी ने राफेल विमानों पर सवाल उठाए हैं। स्वामी ने कहा कि लीबिया और मिस्र में राफेल फाइटर जेट्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो भारत क्यों इन्हें अपने देश में लाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने राफेल की कमियां गिनाई और कहा कि वे राफेल विमानों की खरीद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। स्वामी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी वजह से इस मामले में मजबूर हैं तो उनके पास भी कोर्ट में PIL दायर करने का विकल्प है। आतंकवादियों को पनाह न दे कोई देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी को रिहा किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि किसी भी देश को आतंकवादियों को पनाह देने की बजाय उन्हें सजा देनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में मोदी ने कहा कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए वैश्विक कार्रवाई की जरूरत है। ओलोंद ने लखवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक निंदनीय कृत्य के लिए जिम्मेदार शख्स की रिहाई के मुद्दे पर भारत में आक्रोश को बहस समझ सकते हैं। सिर्फ बेईमान और मक्कारों को मिलता है पद्म सम्मान, जदयू नेता शरद यादव ने कहा। जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव ने एक बार फिर विवादित बयान देकर देश को शर्मसार कर दिया है। इस बार पद्म सम्मान को लेकर तीखा कटाक्ष किया है। जेडीयू नेता यादव ने कहा कि पद्म भूषण का सम्मान सिर्फ मक्कार और बेईमान लोगों को मिलता है, किसी गरीब या आदिवासी को आज तक पद्म भूषण नहीं मिला है, अभी तक किसी दलित को पद्म सम्मान नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री तोमर को हटाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए गृह विभाग तोमर से लेकर फतेंद्र जैन को दे दिया है। तोमर अपनी वकालत की डिग्री को लेकर सुर्खियों में आए थे। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गृह विभाग के मंत्री के तौर पर तोमर के कामकाज से खुश नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने बेहद करीबी कहे जाने वाले मंत्री फतेंद्र जैन को यह जिम्मेदारी सौंपी है। बदले में गुरुद्वारा प्रबंधन का विभाग जैन से लेकर तोमर को सौंपा गया है। उनके पास अब इसके अलावा पर्यटन, कला संस्कृति और विधि व न्याय विभाग रहेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।